नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर जिले के बीएसएफ टेकनपुर से गायब महिला कांस्टेबल मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दोनों महिला बीएसएफ कांस्टेबल शहाना खातून और आकांक्षा निकर कोलकाता के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिल गई हैं। मामले में दोनों से बीएसएफ के अधिकारी और आईजी पूछताछ कर रहे हैं। दो महिला जो कांस्टेबल हैं तो वहाँ प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। इस पर पूर्व में दो गुमनसान बंदीबस्त किए गए थे, लेकिन एक जिसमें से महिला आरक्षक के परिवार के द्वारा एक अपहरण का मामला भी पंजीबद्ध कराया गया था। संपूर्ण जांच में पुलिस की टीम, इंटेलिजेंस की टीम इसमें काम कर रही थी, साथ ही बीएसएनएल जो बीएसएफ है उसकी इंटरनल टीम भी काम कर रही थी। अभी उनको कलकत्ता में बीएसएफ हेडक्वार्टर में कस्टडी में लिया गया है और उनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। मौके पर हमारे जो आईओ हैं वो भी उपस्थित हैं, वो भी इनके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। माँ ने इस तरह के आरोप लगाए थे, जिस पर से माँ के आवेदन पर जो एक मामला भी पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन अभी जो तथ्य सामने आएंगे उनके द्वारा जो बयान दिया जाएगा उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।